श्री राम जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीना भरत शोध सभी कर लीना। सुर सेवा कर आयुष पाई राम मात कहीं गए दो भाई। चरण चाप कही कही मृदुबानी जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मात सेवकाई आप निषाद ही लीन बुलाई। चले सखा कर सो कर जोरे शिथिल शरीर सन्हे न थोरे। पूछत सखही सुठाऊ दिखाऊ नेक नयन मन जर्नी जुड़ाऊ। जहाँ सिय राम लखन नि सोए कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयो विषादु तुरत तहाँ ले गयो निषादु। जहाँ शिशुपा पुनीत तब रघुवर किए विश्राम अति सन्हे सादर भरत कीनहु दंड प्रणाम। श्यावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ए विधि मज्जन भरत करी गुरु अनुशासन पाए मात नहानी जान सब डेरा चले लवाए। गुरुदेव से आज्ञा लेकर भरत एवं अन्य समाज ने स्नान इत्यादि किया। तीर्थ में स्नान करने से पूर्व तीर्थ की महिमा जाननी चाहिए। अगर तीर्थ की महिमा हम सुन के स्नान करते हैं तो उस प्रकार के पवित्र भाव से हम भरते हैं और उसका फिर परिणाम विशेष कल्याणकारी होता है, विशेष कल्याणकारी होता है। और कोई भी शुभ कार्य करना है तो गुरु आज्ञा से करना चाहिए, अशुभ तो करना ही नहीं चाहिए। और शुभ जो कार्य करना है तो गुरु अनुशासन पाई, गुरुदेव का अनुशासन पाने के बाद गुरुदेव की आज्ञा अनुमति प्राप्त करके भरत जी इत्यादि ने स्नान इत्यादि किया। और जब भरत जी को मालूम पड़ा कि माता इत्यादि स्नान कर चुकी हैं मात नहानी जान सब, जब उन्होंने ये बात जानी कि माताएं स्नान कर चुकी हैं तब डेरा चले उलेवाए। तब जहाँ जहाँ जिसके लिए आवासीय व्यवस्था थी डेरा था वहाँ सब को लेकर चले। श्री भरत जी महाराज के नेतृत्व में यह संपूर्ण समाज जो है चल रहा है। परंतु भरत जी जो हैं वो भी गुरु अनुशासन में चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि निरंकुश है वो। और हमारी जो भारतीय राजनीति है, भारतीय राजनीति में निरंकुश राजनीति नहीं है, उसके ऊपर गुरु और धर्म इन दोनों का अंकुश रहा है। प्राचीन समय की बात करते हैं भारतीय राजनीति की, आज ये जो प्रजातंत्र की हम बात नहीं करते। तो गुरु अनुशासन पाए, गुरुदेव का आज्ञा पाके भरत जी संपूर्ण समाज को लेके चलते हैं। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीना, जैसा पहला बताया गया था माताओं के लिए घरों पे व्यवस्था की गई थी, जो गुरुदेव इत्यादि हैं ब्राह्मण समाज है तरुतर वृक्षों के नीचे उनके लिए व्यवस्था की गई थी। विशेष समाज जो है उसके लिए सरोवर के किनारे व्यवस्था थी। और ये जो अन्य लोग हैं उन सबके लिए बाग में व्यवस्था की गई थी। पशुओं के लिए अर्थात घोड़े इत्यादि जो भी हैं उन सब के लिए वन में व्यवस्था की गई थी। सब लगा ही लगा है श्रृंगपुर से, वन विभाग बहुत दूर नहीं है, फॉरेस्ट की जगह दूर नहीं है। एक तो ग्रामीण अंचल का वन और एक वन विभाग, दोनों वन नज़दीक नज़दीक हैं। इस प्रकार से जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीना, अपनी अपनी व्यवस्था के अनुरूप सब लोगों ने अपना अपना आवास चुन लिया। भरत शोध सभी कर लेना, जिसके नेतृत्व में सब चल रहे हैं
उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो सबकी सुधि ले, कि सबके लिए व्यवस्था ठीक हो गई, ठहरने की व्यवस्था, आहार इत्यादि की व्यवस्था, अन्य जो भी व्यवस्थाएं हैं। तो भरत जी ने भरत शोध सभी कर लीना। भरत केवल आजकल के तथाकथित साधु और भक्तों जैसे नहीं है कि हम तो साधु हैं, हम तो भगत हैं, हमको संसार के कार्यों से क्या प्रयोजन है। नहीं, भरत जैसे संत सही अर्थों में, जो गीता के सन्यासी हैं, भगवान श्री कृष्ण के सन्यासी, वो हैं भरत। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या ससन्यासी सच योगी नाचा निराग्निया नाचा क्रिया। क्रियाओं को त्यागने वाला, अग्नि को त्यागने वाला कोई सन्यासी नहीं है अथवा योगी नहीं है। अनाश्रित परमात्मा के आश्रय के अतिरिक्त अन्य आश्रयों का त्याग करके, मतलब परमात्मा उसका परम आश्रय है, परमात्मा ही उसके आश्रय हैं। कर्म फल का त्याग करके अर्थात उसकी इच्छा न रखते हुए, काम्य कर्मों को करता है, कर्तव्य कर्मों को करता है ससन्यासी, सच योगी वही सन्यासी है और वही योगी है। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे सन्यासियों की जो भावना की है, वैसे हैं हमारे श्री भरत जी महाराज, वैसे हैं भरत जी महाराज। भरत शोध सभी कर लिया, भरत जी ने सभी की सुधि ली है। सुर सेवा कर आयुष पाई, राम मात पहीं गए दो भाई। यहाँ कहीं कहीं पाठ भेद है, सुर सेवा कर आयुष पाई, सुर की जगह कहीं कहीं गुरु सेवा कर आयुष पाई, सीधा सा लग जाता है कि गुरुदेव की सेवा करके आज्ञा पाकर। अब ये जो सुर सेवा वाली बात आई, तो अब ऐसी कल्पना करें, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ठाकुर जी रखते थे, लाल जी रखते थे, शालिग्राम रखते थे, तो उनकी सेवा करके फिर आयुष पाई, तो उसमें भी समाधान तो किया जा सकता है कि आयुष जैसे नित पूजों पूजत प्रभु पांव ब्री आगे आएगा। भरत जी जो हैं भगवान श्री राघवेंद्र की चरण पादुकाओं की नित्य पूजा करते हैं और फिर उनसे आयुष लेके काम करते हैं, तो उस प्रकार से यहाँ सुर सेवा में हमें कोई आपत्ति नहीं लगती, परंतु कुछ जगह पाठ भेद है और कुछ महानुभाव सुर सेवा को ज़्यादा उपयुक्त तो नहीं मानते हुए गुरु सेवा जो भी हो, इसमें हमें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। सुर सेवा कर आयुष पाई, यहाँ बस मुख्य जो महत्वपूर्ण बात वो है कि सब लोगों की व्यवस्था हो गई, उसके बाद सुर सेवा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बंदों प्रथम मही सुर चरण, पहले पृथ्वी के देवताओं की वंदना करता हूं, फिर स्वर्ग के देवताओं की बात की जाएगी। जो पृथ्वी पे साक्षात जीवंत चलते फिरते देवता हैं, इनकी वंदना करी ना, बंदों प्रथम महीसुर चरण, पृथ्वी के देवताओं। तो ये मतलब देव पूजा, पहले पेट पूजा फिर देव पूजा, सीधा सा गणित है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने जैसा नहीं है कि सबकी व्यवस्था करने के बाद सुर सेवा कर आयुष पाई आज्ञा पाकर राम मात पहीं गए दो भाई। कौशल्या जी के पास दोनों भाई पहुंचे हैं, शत्रुघ्न जी साथ छोड़ते ही नहीं है, साथ लगे हैं, साथ चलते हैं। चरण चाप कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। चरण चाप कही कही मृदुबानी, चरण सेवा करते जाते हैं और मधुर वाणी में वार्तालाप भी करते जाते हैं, कहीं आपको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ और इतनी दूर आए हैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे चलने में इतने किसी प्रकार का, मतलब मधुर वाणी में कुशल मंगलता के समाचार भी
लेते जाते हैं। जननी सकल 700 माताएं हैं, 701। तो वाल्मीकि में 351 का वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी 700 की बात करते हैं गीतावली में। तो 700 माताओं की जननी सकल, भरत सम्मानी, भरत जी ने सबका सम्मान किया, किसी को मधुर वचन के द्वारा, किसी की तरफ प्रेम से देखकर। ऐसा तो नहीं कि 700 के चरण, नहीं तो लंबा समय लग जाता ना, लंबा समय लग जाता। और बहुत दायित्व है, बहुत कार्यभार है इनके ऊपर, तो कैसे सबका निर्वाह करेंगे। जननी सकल भरत सम्मानी, भरत जी ने सभी माताओं का यथोचित सम्मान किया। भाई सौंपी मात सेवकाई, इसके बाद शत्रुघ्न जी से कहा, भैया अब मैं थोड़ा विशेष कार्य से बाहर जा रहा हूँ, आप माताओं की सेवा में रहेंगे, अर्थात रात्रि में किसी प्रकार से भी माताओं को किसी प्रकार की भी आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति आपको करनी है। हमारी माताएं जो हैं किसी भी प्रकार से वन में कष्ट ना सहन करें। ठीक है कि हम नहीं कर सकते हैं सेवा, हमें विशेष कार्य बस जाना है, परंतु सेवा का भार शत्रुघ्न जी के ऊपर रख दिया गया। ये तो जरूरी नहीं है कि सबकी सेवा में भरत जी ही सब प्रकार से करें, पर पहले चरण चाप कहीं कहीं मृदुवाणी, चरण की सेवा की और मृदुवाणी में उनका सम्मान भी किया है, सब किया है। फिर उसके उपरांत भाई सौंपी मात सेवकाई, शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवकाई जो है, सेवा का कार्य सौंप दिया गया। आप निषाद ही लीन बुलाई, इसके बाद भरत जी ने निषाद राज को बुलाया। अब निषाद राज जी के साथ तो इनकी मित्रता हो गई है, संबंध मैत्री के हैं। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर सहे न थोरे। चले सखा कर, सखा के हाथ में हाथ देके, जैसे मित्र एक मित्र के हाथ पकड़ के चल रहा हो, ऐसे ही चले सखा कर सो कर जोरे। शिथिल शरीर, शरीर में शिथिलता है श्री भरत जी के, सनेह न थोड़े, परंतु प्रेम जो है अत्यंत प्रेम है, बहुत अधिक प्रेम है, थोड़ा प्रेम नहीं है, अधिक प्रेम है, बहुत अधिक प्रेम है भरत जी के मन में, बहुत अधिक प्रेम है भगवान श्री राम के प्रति। और जितने भी राम जी के परिकर हैं, परिजन हैं, उन सब के प्रति हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी प्रत्येक वस्तु हमको प्यारी लगती है, उसका नाम हमको प्यारा लगता है, उसकी लीलाएं हमको प्यारी लगती हैं, उसका स्वरूप हमको अच्छा लगता है, उसके संबंध से उसका घर अच्छा लगता है, जिस घर में वो रहता है, धाम नहीं, राम जी का धाम है, राम जी से हमारा प्रेम है, इसलिए राम जी का धाम श्री अवध धाम, या जहाँ राम तहाँ अवध निवास हो, तो वो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है राम जी के नाते, अच्छा लगता है। मनिहि एक राम कर नाता, राम जी के संबंध से सब अच्छा लगता है। तो शिथिल शरीर सनेह न थोरे, बहुत अधिक प्रेम है। अब निषाद राज गुह से पूछते हैं, पूछत सखही सो ठाऊ दिखाऊ, नेक नयन मन जर्नी जुड़ाऊ। हे सखा, वो स्थान मेरे को बताओ जहाँ रघुनाथ जी ने रात्रि में विश्राम किया था, वो स्थान जरा मेरे को बताओ जहाँ रघुनाथ जी, मेरे भैया, मेरी भाभी और लखनलाल जहाँ रात्रि में विश्राम किए थे, वो स्थान में देखना चाहता हूँ, उनका क्या होगा। नेक नयन मन जर्नी जुड़ाऊ, ये जो मेरा मन में बहुत जलन हो रही है ना, इसको थोड़ी शांति मिल जाएगी। कहा थोड़ी शांति मिलेगी, पूरी शांति नहीं। कहा हाँ, पूरी शांति तो देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जर्नी ना जाए। जब तक रघुनाथ जी के चरण कमल का दर्शन नहीं करता हूँ, तब तक ये हृदय की जलन जाएगी नहीं जाएगी, यहाँ कम हो जाएगी उस स्थान पे पहुँचने से,
जलन कम हो जाएगी, शीतलता मिलेगी। नेक नयन मन जर्नी जुड़ाऊं, जो मेरा हृदय जल रहा है उसको थोड़ी शीतलता मिलेगी, थोड़ी शांति मिलेगी। तो आप कृपा करके हैं सखा, फिर भी कृपा करके वो ठाव दिखाओ, वो स्थान मेरे को दिखाओ, अर्थात उस स्थान पर मेरे को ले चलो, उस स्थान विशेष पर मेरे को ले चलो जहाँ भगवान श्री राम रात्रि में विश्राम किए थे। जहाँ सिए राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन को। जहाँ उस रात्रि में जब श्रृंगपुर भगवान श्री सीताराम जी पधारे थे, और उस रात्रि में जहाँ उन्होंने विश्राम किया था, उस स्थान को मेरे को दिखाएं आप। कहत भरे जल लोचन को। भरत जी शब्द तो बोल रहे हैं, परंतु उनके नेत्र के कोए में, कोए मतलब ये गोलक, जल भरा हुआ है, टपकने नहीं दे रहे हैं, पर नेत्र में जल भरा हुआ है, पूरे गोलक में, नेत्र के गोलक में जल भरा है। नेक कहत भरे जल लोचन कोए। इस प्रकार से भरत वचन सुनी भयो विषादु, तुरंत तहां ले गयो निषादु। निषाद राज ने जब भरत जी की स्थिति देखी कि अभी तो ये बात कह रहे हैं कि उस स्थान पे जहां सीताराम जी लक्ष्मण भैया रात्रि में विश्राम किए थे, उस स्थान पर मेरे को ले चलो, उतनी बात कहने में इनके नेत्रों में जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। तो उस स्थान पे पहुंचने पे ये कितने विह्वल हो जाएंगे, कितने व्याकुल हो जाएंगे। इसलिए भरत वचन सुनी भयो विषादु, विषाद हो गया, निषाद को विषाद हो गया। क्या विषाद हुआ कि इनकी जो व्याकुलता है उस स्थान विशेष को देखने पे कितनी अधिक बढ़ जाएगी, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए परंतु ठीक है, भरत जी कह रहे हैं तो ले तो जाना है। तुरंत तहां ले गए निषाद, और निषाद राज तुरंत उस स्थान विशेष पे ले गए। कौन से स्थान विशेष पे? जहां शिशुपा पुनीतर रघुवर किए विश्राम, जहां अशोक वृक्ष के नीचे, ये शिशुपा वैसे शीशम को भी कहते हैं, और शिशुपा अशोक वृक्ष को भी कहा जाता है। रामचरितमानस में शिशुपा वृक्ष का वर्णन जहाँ है तो समझना चाहिए अशोक वृक्ष के लिए कहा गया है। अशोक असली अशोक, ये नकली लंबे लंबे जो सीधे खड़े हैं, ये अशोक नहीं, ये तो अशोक की एक प्रजाति है। अशोक जो स्वाभाविक होता है, जिसमें फूल भी लगता है और उसी का अशोकारिष्ट इत्यादि औषधियाँ बनती हैं, वो सब अपने ग्वार आश्रम पे नर्मदा किनारे पंचवटी में वो अशोक लगे हैं। तो ये अशोक नहीं, वो अशोक जहाँ शिशुपा पुनीत तर रघुवर किए विश्राम, उस पवित्र अशोक वृक्ष के नीचे जहाँ रघुनाथ जी ने विश्राम किया था। अति सनेह सादर भरत कीनो दंड प्रणाम, भरत जी ने बहुत प्रेम में भर के आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया है उस स्थान विशेष को। अब इस विषय में थोड़ी सी बात समझ लेनी चाहिए। ये 44 दिन बीत चुके हैं, भगवान श्री राम इस स्थान विशेष पे 44 दिन पूर्व विश्राम किए थे। आज वो स्थान बिल्कुल वैसे का वैसे स्थिति में कैसे रह गया? निषाद राज गुहु तो भगवान श्री राम के साथ आगे बढ़ गए थे, निषाद राज गुहु जब भगवान श्री राम गंगा के तट पे आए, तो उस समय निषाद राज गुहु ने अपने सेवकों को बुलाया, कहा ये मेरा पूजा का स्थान रहेगा, अब इसमें एक
घास का तिनका भी उड़ना नहीं चाहिए। यहां जैसा है स्थिति यथावत रहनी चाहिए, यथावत रहनी चाहिए। और जब निषाद राज वहां से लौट के आए तो उन्होंने देखा कि सेवकों ने उस स्थान की सुरक्षा इस प्रकार की, वैसे गर्मी का महीना है, गंगा का तट है, खुला मैदान है, उसमें वृक्ष के नीचे आंधी तूफान हवा बयार सब चलता है, और ऐसी स्थिति में स्थान के घास पत्ते तृण यथावत रहे, तो ऐसे तो नहीं रह सकते ना। इसको रखा गया था विशेष सुरक्षा की व्यवस्था करके, इनका निषाद राज गुहू का भगवान के प्रति इतना अगाध स्नेह है, जैसे लोग भगवान जैसे किसी महात्मा की पादुका पूजते हैं, भगवान श्री राम एक रात्रि यहाँ निवास किए, पता नहीं भविष्य में कब यहाँ शंगवेरपुर की तरफ आएंगे या नहीं आएंगे, वो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु ये स्थान हम सब के लिए आज से तीर्थ स्थान है, हमारे आस्था का केंद्र है, इसलिए इसको सुरक्षित रखना है, और ये भगवान की जो सैया इत्यादि है उसको यथावत रखना है। वो सब व्यवस्थाएं की गई और जैसा निषाद राज का आदेश हुआ उसको अक्षरशः पालन किया गया, पूर्ण रूपेण पालन किया गया, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई, वैसे का वैसा रखा गया। कैसे रखा गया होगा कहना कठिन है। वैसे आप सब बटाला पंजाब, बटाला में एक कंद साहिब जहाँ गुरु नानक जी ने जिस दीवाल के ऊपर खड़े होके उपदेश दिया था, वो मिट्टी की दीवाल अभी तक सुरक्षित रखी गई, मतलब ऐसे स्मारक स्मृति चिन्ह रखे जाते हैं, उसमें भक्तों की भावना रहती है कि यहाँ भगवान निवास किए थे, यहाँ भगवान विश्राम किए थे, भगवान ने यहाँ ये सब। अयोध्या में दातुन कुंड भी है जहाँ भगवान दंत धावन करते थे। तो कहने का मतलब उन सब स्थानों को सुरक्षित रखा जाता था। तो इस स्थान विशेष को जहाँ शिशुपा पुनीतर रघुवर किए विश्राम, जहाँ रघुनाथ जी ने अशोक वृक्ष के नीचे विश्राम किया था, उस स्थान विशेष को भरत जी ने दूर से ही देखा है, अभी नजदीक नहीं पहुंचे, और अति स्नेह सादर भरत कीनो दंड प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया उस स्थान। वैसे तो कहा जाता है कि जिस दिशा में हमने देखा है, श्री अयोध्या एक बार ट्रेन से अयोध्या रेलवे स्टेशन पे उतरे तो एक व्यक्ति गार्ड वो भी उतरा और उसने अयोध्या की भूमि का ऐसा लेके स्पर्श करके प्रणाम किया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, फिर गाड़ी में गार्ड है ट्रेन का अयोध्या को प्रणाम कर रहा है। इतनी निष्ठा है, भावना है, ये हम सब जो वास्तविक वैष्णव हैं हम सबका जीवन में भाव की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है, क्रियाओं की गौण भाव की प्रधानता होती है। और आप सब जानते हैं भावे विद्यते देवाना, भाव में ही देवताओं का निवास होता है, और ये भाव साधारण नहीं है, भाव जो है जब बढ़ता है तो महाभाव बन जाता है, और महाभाव कुंभक प्राणायाम कराता है, और उसके बाद समाधिष्ट, जो यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग, तीन स्टेप में, तीन सोपान में, भाव महाभाव समाधि, समाधिष्ट हो जाता है। सरल रास्ता है, शॉर्टकट है, चाहो तो
आ सकते हो। नई इच्छा है, हम सब तो खाली समाज को दिखाना चाहते हैं कि हम भगत हैं, हम आत्म कल्याण के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए नहीं करते। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहता है, इस चक्कर में हम पड़े रहते हैं। हम पूजा आरती सेवा जो भी करते हैं उसमें दिखावा ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है, अंदर की भावनाएं कम। तो श्री भरत जी महाराज ने वहां जाकर पहले दंडवत प्रणाम किया, फिर उस स्थान पे पहुंचे हैं। कहा जाता है कुश साथरी निहार सुहाई, जिस पर्णशैया पे भगवान श्री राम विश्राम किए थे वो बहुत सुहाई, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, क्योंकि भगवान श्री राम उस पर विश्राम किए हैं। नीचे कुश का आसन लगाया गया है, फिर उस पर कोमल पत्ते, जहाँ भगवान ने करवट ली है तो वो स्थान थोड़ा ज्यादा दब गया है, वो सब भरत देख रहे हैं। जैसे जब कोई चोर बदमाश किसी स्थान पर चोरी डकैती करके जाते हैं ना, तो उनके चिन्ह देखे जाते हैं, क्या क्या उनकी गतिविधियां रही, कितना दबाव से पैर पड़ा है, कितने उससे सब फिर गणित किया जाता है, मतलब बहुत गहराई से देखते हैं। उसी प्रकार से श्री भरत जी महाराज देख रहे हैं, उसी प्रकार से श्री भरत जी देख रहे हैं। कुश साथरी निहार सुहाई, उस पे कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई, और उसको प्रणाम किया और फिर प्रदक्षिणा की। बड़े महापुरुषों के पास जब जाएं उनको प्रणाम करें और उनका दाहिना व्रत, ये व्यवस्था है। तो भरत जी ने उस साथरी पे, उस सैया पे जाके देखा कि भगवान श्री राम यहाँ रात्रि में विश्राम किए हैं। वो सैया पहले ही बता दिया गया, निषाद राज गुह ने सुरक्षित रखी रही है। हमें तो ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु तक तो इसको इसी प्रकार से सुरक्षित रखा गया होगा, बाद में इस स्मारक को अच्छे ढंग से तैयार करके बना दिया गया होगा, जहाँ नित प्रति निषाद राज गुह बैठ के साधना करते होंगे। निषाद राज गुह श्रृंगवेरपुर में नित्य प्रति साधना तो कुछ साथरी निहार सुहाई कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। भरत जी ने वहां जाके उसका दर्शन किया, दर्शन करने के बाद उसको प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा की है, प्रदक्षिणा की है दाहिना वर्त। चरण रेख रज आखिन लाई, और वहां की चरण धूली नेत्रों से लगाई, हमारे नेत्र पवित्र हो जाए। महापुरुषों की हम चरण रज लेते हैं, मंदिर मठ में जाके हम वहां की चरण धूली शिरोधार्य करते हैं, हमारा मस्तिष्क पवित्र हो जाए, हमारे मन बुद्धि पवित्र हो जाए, हमारे विचार पवित्र हो जाए, और या नेत्र पे लगाते हैं, भरजी नेत्र पे लगा रहे हैं। चरण रेख रज आखिन लाई, आंखों में चरण रज लगाई गई है जिससे हमारी दृष्टि पवित्र हो जाए। हम सारे जगत में सिया राम में दर्शन कर सकें, सारे जगत में सिया राम का दर्शन कर सकें, वो दृष्टि हमको प्राप्त हो। हमें जहाँ दृष्टि जाए वहाँ हमारे आराध्य भगवान श्री सीताराम जी नजर आए, इस पवित्र भाव से चरण रेख रज आंखें डाई। हमारे आराध्य की स्पर्श की हुई ये भूमि की जो रज है वो हमारे नेत्रों को पवित्र कर देगी। ऐसा जैसे आगे भी जब भरत जी चित्रकूट की तरफ बढ़ेंगे तो जहाँ जहाँ भगवान के चरण चिन्ह मिलते हैं तो वहाँ की धूली लगाते हैं मस्तक पे। यही भाव है, हमारी दृष्टि पवित्र हो, हमारा मन बुद्धि पवित्र हो, हम गलत चिंतन ना करें, हमारा मन हमेशा शिव संकल्प मस्तु
पवित्र संकल्प करें, पवित्र संकल्प करें। कभी भी हम किसी का अनिष्ट ना सोचें, किसी का अहित के विषय में ना सोचें, किसी का अनिष्ट ना करें। हमारी दृष्टि पवित्र हो जाए, हमारा मन बुद्धि पवित्र हो जाए। तो चरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीत अधिकाई। ग्रंथकार कह रहे हैं बनई न कहत प्रीत अधिकाई, इतनी प्रीति है, इतनी प्रीति है, इतनी अधिक है प्रीति कि बनई न कहत, कहने में नहीं बनता है। भरत जी की जो प्रीति है उसको वर्णन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अब भरत जी की दृष्टि, जब प्रदक्षिणा की है भरत जी ने, तो उनकी दृष्टि वहाँ गई जो कुश में माता जी का जो पाटाई वस्त्र था, रेशमी वस्त्र था, कोशे वस्त्र था, उसका तार उसमें फंस गया था। कोशे वस्त्र का तार उसमें देखा। हम बता रहे हैं बहुत सूक्ष्म दृष्टि से भरत जी देख रहे हैं। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, और माता जी के जो वस्त्रों पे ये जरी इत्यादि का काम था, सूरत की असली जरी, सूरत में जरी का काम बहुत अच्छा होता है। तो ये हम सब ने भी फिर वो यहाँ छत्र बनवाया था, वहीं से सूरत से बनवाया था, जरी का काम, असली जरी मतलब असली सोने से। तो उसमें से कुछ टुकड़े छोटे निकल के गिर गए होंगे। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, दो चार वो छोटे छोटे सीता जी के। हमने पहले ही बताया कि इस स्थान को इतना सुरक्षित रखा गया है कि एक तिनका भी वहाँ से हिले नहीं, एक तिनका भी नहीं तो 44 दिन में, और वो भी सोने के टुकड़े रह जाते क्या? अरे पहले ही छान मारते लोग। नहीं तो हवा से इधर उधर हो जाते हैं, परंतु नहीं हुए हैं। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीश सीए सम लेखे। और उठा के भरत जी ने कहा कि ये स्वर्ण के कण जो हैं, तुम्हारा स्थान इस पृथ्वी पे नहीं है, ये तो हमारे सिर पे है, अपने सिर पे धारण कर लिया। ये है भरत जी की निष्ठा कि भूमि पे ये पड़ने योग नहीं है, भूमि पे पड़े रहें इनका स्थान यहाँ नहीं है। राखे शीश सीए सम लेखे कि भगवती सीता जी के चरण मेरे सिर पे आ गए। इस भाव से उनको उन्होंने शिरोधार्य कर लिया, शिरोधार्य कर लिया। सजल बिलोचन हृदय ग्लानी, कहत सखासन वचन सुबानी। नेत्रों में जल भरा हुआ है, हृदय में बहुत ग्लानी हो रही है। कहत सखासन, अपने मित्र निषाद राजगुहु से कह रहे हैं, सुंदर वचन सुबानी, बहुत मधुर वाणी में, बहुत अच्छी वाणी में भरत जी निवेदन कर रहे हैं। श्री हत सीए विरह दुतिहीना, जथा अवध नर नार विलीना। ये जो सोने के जो छोटे छोटे कन है, ये श्रीहत हो गए हैं, इनकी चमक चली गई है। सीए विरह, सीता जी का विरह ये सहन नहीं कर पाए, सीता जी का विरह, ये इनकी भावना, हृदय के उद्गार हैं, हृदय के उद्गार हैं श्री भरत जी के। वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा है कि भरत जी के स्थिति, भरत जी के निकले हुए उद्गार, और रामचरितमानस में वो लिख दिए गए हैं। उन्होंने हम सबके सामने वो चित्र बनाया है, जब आप रामायण पढ़ेंगे तो वो चित्र आपके सामने होना चाहिए। रामायण का पाठ का मतलब ये नहीं है कि एक दिन में पूरी रामायण कर दें, एक दिन में 5 नभा कर दें, एक दिन में 3 नभा कर दें। कितनी जल्दी हम पाठ करते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व। पाठ के साथ साथ ये जो दृश्य हैं, ये जो लीलाएं हैं,
भगवान श्री राम की, भरत जी की और जितने भी राम जी के परिकर हैं वो सब हमारे नेत्रों के सामने दिखाई दे, सब सामने दिखाई दे। तो श्री हत श्रीय विरह दुतिहीना, ये सब की चमक चली गई है। क्यों चली गई है? सीता जी के विरह के कारण। ये माता जी का विरह सहन नहीं कर पाए, कितना पवित्र भाव उनके हृदय से निकल रहा है। कहते हैं उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जथा अवध नर नार बिलीन, जिस प्रकार से अयोध्या के नर नारी जो हैं भगवान श्री सीताराम जी के विरह में कांतिहीन हो गए हैं, उसी प्रकार से ये सब भी दुतिहीन हो गए हैं, ये कनक बिंदु द्विचारक। इनकी दुति जो है, इनकी जो चमक है, इनकी जो आभा है, वो दूर हो गई है, दूर हो गई है। अयोध्या के नर नारियों की तरह इनकी दशा। वैसे तो लोग कल्पना कर सकते हैं कि वहां की धूल उस पर आ गई होगी, परंतु नहीं, भरत जी को उसमें धूल नहीं दिखाई दे रही है, उसमें धूल नहीं दिखाई दे रही है। और हमें तो ऐसा लगता है कि ये जिस समय निषाद राज गुह वहाँ नित्य प्रति सेवा पूजा के लिए पहुँचते होंगे, उस समय उस पर से पर्दा हटाया जाता होगा, नहीं तो उस पर फिर पर्दा डाल दिया जाता होगा, जैसा है वैसा ही यथावत बना रहे, नहीं तो कैसे बना रहेगा? कोई ना कोई व्यवस्था तो होगी ही, बाउंड्री वाल वगैरह कुछ नहीं है, मतलब उसका कोई ऐसा सीमांकन नहीं किया गया है, या उस पर कोई दीवार उठा दी गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था तो होगी ही। श्रीहत श्रीय विरह दुतिहीना जथा अवध नर नार बिलीना, जैसे अयोध्या के नर नारी इस समय दुतिहीन हो गए हैं, उसी प्रकार से ये जो कनक बिंदु द्विचारक वो सब ऐसी स्थिति में है। अब भगवती सीता जी के विषय में भरत जी अपने हृदय के उद्गार प्रकट कर रहे हैं। किसी भी नारी की विशिष्टता बताने में, किसी सौभाग्यवती नारी की विशिष्टता बताने के लिए चार वस्तुएं उसमें देखी जाती हैं। चार वस्तुओं से उसका आंकलन किया जाता है कि वो महिला कैसी है। प्रथम, पिता का घर, मायका, उसका मायका कैसा है। फिर उसका ससुर का घर, फिर पति कैसा है, फिर उसके गुण विशेष कैसे उस महिला के। इन चार बस के आधार पे महिला की श्रेष्ठता, निकृष्टता, मध्यस्थता मानी जाती है। तो यहाँ चारों के विषय में श्री भरत जी कह रहे हैं, पिता जनक देव पटतर के ही करतल भोग जोग जगजे। पिता इनके जनक भगवती सीता जी के, पटतर के ही, उनकी बराबरी कौन कर सकता है? जनक महाराज की क्या विशेषता है? करतल भोग जोग जग जे ही, जिनके हाथ में भोग और जोग दोनों एक साथ दिखाई देता है, विधाता का प्रपंच और ब्रह्मनिष्ठा, आत्मनिष्ठा, ब्रह्म स्थिति, ब्राह्मी स्थिति, दोनों एक साथ, दो के एक संग हो ही भुआलू। साधारण संसार में देखा जाता है या तो विधाता के प्रपंच में फंसा हुआ है जीव, या विधाता के प्रपंच से निकल के आत्मनिष्ठ हो गया है, ब्रह्म स्थित हो गया है, उसकी स्थिति ब्राह्मी स्थिति है, पर दोनों एक साथ, ये तो केवल जनक महाराज में ही दिखाई देते हैं, या होंगे उनकी कक्षा के कुछ लोग, हमें नहीं मालूम होंगे, पर भरत जी कह रहे हैं
पिता जनक देव बटतर के ही करतल भोग जोग जग जेहि। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदों परिजन सहत विदेहु जाहि रामपद गूढ़ सनेहु, जोग भोग में राखे उगोई राम विलोकत प्रकटे सोई। वहां उन्होंने दूसरी उपमा दी है गोस्वामी तुलसीदास जी, वो कहते हैं बंदों परिजन सहित विदेहु, उनके परिकरों के सहित महाराज जनक की मैं वंदना करता हूं। उनकी क्या विशेषता है? जोग भोग में राखे उगोई, जोग और भोग के संपुट में राम जी का प्रेम छिपा हुआ था। कुछ लोग उनको समझते थे जोगी हैं, कुछ लोग समझते थे भोगी हैं, परंतु जो प्रेम है, जैसे एक संपुट में एक मंजूषा में कोई रत्न छिपा हो, उसी प्रकार से महाराज जनक का जो भगवान श्री राम के प्रति प्रेम है वो छिपा हुआ था। छिपा हुआ, राम विलोकत प्रकट होई, और जब राम जी को देखा प्रकट हो गया, वो खुल गया संपुट, मंजूषा खुल गई और उसमें मत जो रत्न था चमक उठा, चमक उठा राम प्रेम। तो ऐसे हैं महाराज जनक, पिता जनक देव पटतर के ही इनके पिताश्री जो हैं महाराज जनक हैं, इनकी बराबरी कौन कर सकता है? करतल भोग जोग जग जेहि, दोनों इनकी हाथ में है, मुट्ठी में है, बस में है जोग और भोग, ये उनके बस में नहीं है। महाराज जनक जोग भोग के बस में नहीं है, इनके बस में है। ये तो जोगेश्वर हैं, जोग के ईश्वर हैं। जोग भोग जोग जग जेहि, करतल भोग जोग, करतलगत आमलक समाना। ये गोस्वामी तुलसीदास जी किसी को कहते हैं करतलगत बद्री फल के समान, कहीं आमले के समान, और यहाँ जोग और भोग। तो इस प्रकार से इनके पिताश्री के विषय में कहा गया, अब इनके ससुर के विषय में कहा जा रहा है। भगवती सीता जी के पिता के विषय में कहा गया, अब ससुर के विषय में जो चार बातें बताई थी उसमें ससुर भानकुल भान भुआल, और इनके जो ससुर हैं वो तो सूर्य वंश के भी सूर्य हैं। अब सोचो सूर्य वंश का सूर्य, सूर्य वंश को आलोकित करने वाला, प्रकाशित करने वाला सूर्य महाराज दशरथ, ससुर भानकुल भान भुआलू जय सिहात अमरावती पालू, जो अमरावती का पालन करने वाला इंद्र है वो भी इन महाराज दशरथ का चिंतन करके सिहाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है कि धन्य है ऐसे। उसको भी लगता है कि हम स्वर्ग में बेकार रह रहे हैं, धन्य है वो महाराज दशरथ जो भूमंडल पे हमारे स्वर्ग से भी अधिक भोगों को भोगते हुए अपनी धर्म निष्ठा और कर्म इत्यादि के द्वारा इतने सुख शांति से जीवन जी रहे हैं। हम तो पता नहीं, थोड़े थोड़े कोई ऋषि तपस्या करता है परेशान हो जाते हैं, काक समान पाकरी पूरी थी छली मलिन कतौ नहीं पड़ती थी। इस इंद्र की हालत तो बहुत कर, काक समान पाकरीपुरी थी, पाकरीपु इंद्र, कौए के समान छली मलिन कतौ नहीं पड़ती थी, बड़ा छल वाला है कहीं विश्वास ही नहीं है इसको। कौआ बड़ा चालाक होता है, पक्षियों में कौआ, आदमियों में नौआ, और वृक्षों में झौआ। तो ससुर भान कुल भानु हुआलू जैसी हाथ हमरा वती पालू, ससुर भान कुल भानु हुआलू, इनके ससुर जो हैं
सूर्य वंश को भी आलोकित करने वाले सूर्य जैसी हाथ, जिनको देख के इंद्र भी, अमरावती का पालन करने वाला इंद्र सिहाता है। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, अब पति, पहले मातृपक्ष के माता पिता के विषय में कहा, फिर ससुर की बात की गई, अब प्राणनाथ रघुनाथ जी पति। और इनके पति कैसे हैं? प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बढ़ हो सो राम बढ़ाई। इनके जो प्राणनाथ हैं, इनके जो पति हैं, वो कौन है? रघुनाथ गोसाई, रघु जीव मात्र के स्वामी और गोसाई हैं। यह गोसाई का मतलब गो यानी इंद्रियां, इंद्रियों पे जिसका नियंत्रण है, गोसाई इंद्रियों का स्वामी। इनके पति जो हैं, इनकी इंद्रियां इनके बस में हैं। व्यक्ति का महत्व क्या है? उसकी इंद्रियां उसके बस में हो। जो प्राणी मात्र का स्वामी है, जो प्राणी मात्र का स्वामी है, जो प्राण के प्राण है, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ हो सो राम बड़ाई। अरे संसार में किसी को भी जो बड़प्पन मिला है, इनकी कृपा करना से मिला है। जो बड़ हो तो राम बड़ाई। जो भी संसार में बड़प्पन पाया है, संसार में जो भी बड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में बड़ा हुआ है, तो उसको जो बड़प्पन मिला है, कहाँ से मिला है? राम जी की कृपा से। राम जी ने उसको बड़ाई दी है, राम जी उसको बड़ाई देते हैं। जिसको राम जी बड़ाई दे देते हैं, वो बड़ा हो जाता है संसार, भले ही कितना ही निकृष्ट क्यों ना हो, कितना ही नीच क्यों ना हो, कितना ही पतित क्यों ना हो, कितना ही अधम क्यों ना हो, परंतु जिसको रघुनाथ जी बड़ाई दे देते हैं। तो प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बढ़ो सो राम बढ़ाई। अब सीता जी के विषय में कहा जाता है, चार प्रकार से बताया ना, तो उस चौथा स्त्री के गुण विशेष। पति देवता सुति मनी सिंह साथरी देख, विहरत हृदय न हर पवते कठिन विषेक। जितनी भी पति को देवता मानने वाली नारियां हैं, चाहे वो पार्वती जी हों, चाहे वो लक्ष्मी जी हों, चाहे वो सरस्वती जी हों, अथवा सावित्री हों और नर्मदा हों, या कोई भी अरुंधति हों या अनसुईया हों, जितनी भी ये सब, हमें तो नाम इतने याद नहीं है, जितनी भी ये पति को देवता मानने वाली जो नारियां हैं, पति देवता सुती मनी, उसमें ये शिरोमणि, सती शिरोमणि सी गुण गाथा, उनमें सीता जी जो हैं, बस एक बात में सब बात आ गई। जितनी भी पति को देवता मानने वाली पातिव्रत लिए हुए पतिव्रताएं महिलाएं हैं, उनमें ये शिरोमणि हैं सीता जी। मतलब चारों प्रकार से सीता जी में श्रेष्ठता बताई, परंतु आज क्या दशा हुई है और किसके कारण हुई है, ये भरत जी विचार कर रहे हैं। पति देवता सुति मनी सिए साथरी देख, सीता जी की वो पर्णशैया को देख के विहरत हृदय न हर हर पवित्र कठिन विषय, मेरा हृदय जो है वो वज्र से भी ज्यादा कठोर है, नहीं तो इस प्रकार की स्थिति देख के विहरत हृदय न हर, मतलब घबरा के एकदम हर के फट गया होता, टुकड़े टुकड़े हो गया होता मेरा हृदय, नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि मेरा हृदय जो है ना वज्र से भी ज्यादा कठोर है, क्योंकि मेरे कारण ये सब हुआ है ना, मेरे कारण सीता जी को उस पर्णशैया पे सोना पड़ा है, मेरे कारण भगवान श्री राम को वन में आके इस प्रकार से पर्णशैया पे सोना पड़ा है।
परंतु मेरा हृदय इतना कठोर है, इतना कठोर है। यही सब बातों की कल्पना करके निषाद राज गुहू को विषाद हुआ था कि अब भरत जी जब वहां पर्णशैया को देखेंगे तो इनका हृदय जो है एकदम विह्वल हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। सीताराम जी की सैया को देखने के बाद श्री भरत जी ने पूछा कि लखनलाल जी भी साथ में थे, लखनलाल साथ में थे, लक्ष्मण साथ में थे, मेरा अनुज, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण साथ में थे, उसकी सैया कहाँ है? निषाद राज ने कहा वो तो रात्रि भर बैठे रहे और हमको उपदेश करते रहे, हमको उपदेश करते। वो हमारे गुरुजी हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, वो हमारे गुरुजी हैं। वो रात्रि में नींद नहीं लिए, वो तो वीराश्रम से बैठे रहे, एक प्रहरी की भांति, एक चौकीदार की तरह वो तो रात्रि भर बैठे। हमने जाके उनसे निवेदन किया कि आप थोड़ी देर विश्राम कर लें, आपका कार्यभार हम संभाल लेते हैं। का नहीं, इस सेवा के लिए तो मेरे को परमात्मा ने चुना है, परमात्मा ने ये लाभ मेरे लिए दिया है, इसमें से मैं बंटवारा नहीं करूंगा। आपकी इच्छा है आप भी बैठो, वो चलेगा, परंतु हमारी सेवा में आप भागीदार बन जाओ, वो नहीं चलेगा। तो कहा कि राति बस सोए नहीं, नहीं सोए। तो अब लक्ष्मण जी की बात आ गई, लालन जोग लखन लघु लोने, भई न भाई अस होने, न अस अही न होने। अरे लक्ष्मण जो हैं वो तो लाल प्यार के लायक थे, ये देखो लक्ष्मण जी के प्रति इनका वात्सल्य उमड़ रहा है। भगवती सीता जी भी कहती हैं लरिका लखन, अभी छोटे लड़के हैं, छोटे बच्चे हैं। अरे वो जनकपुर में ललकार देते हैं जनक को, कहू जड़ जनक धनुष के तोरा, परशुराम जी से तो खूब लंबी चौड़ी वार्ता होती है, वही लक्ष्मण है, सब जानते हैं इनके विषय में, परंतु इनका हृदय का जो वात्सल्य भाव है, श्री भरत जी का जो लक्ष्मण जी के प्रति, दो चार घंटे का ही अंतर है जन्म में, बहुत ज्यादा छोटे नहीं है। तो लालन जोग लखन लघु लोने, अत्यंत सलोने हैं वो, तो बहुत सलोने हैं। लक्ष्मण जी की याद आ गई, जब लक्ष्मण जी की वार्ता हुई, लक्ष्मण जी बहुत सलोने हैं, बहुत सलोने, वो तो लाड़ प्यार के लायक है, लाड़ प्यार के लायक, जैसे छोटे बच्चों को लाड़ प्यार से रखा जाता है, उसी प्रकार से लघु हैं ना, छोटे हैं भाई, और अत्यंत सलोने हैं। लालन जोग वो तो लालन के योग हैं, भई ना भाई, भय ना भाई अस अही ना होने, ऐसा भाई ना तो अभी तक कोई भूतकाल में हुआ है, ना वर्तमान में कोई है, ना भविष्य में कोई होने वाला है। ये भरत जी के उद्गार हैं, भरत जी कहते हैं लक्ष्मण जी जैसा भाई ना तो कोई भूतकाल में हुआ है, ना वर्तमान में है, ना भविष्य में होगा। ये वही लखन जिन्होंने भरत जी के विषय में सोचा था कि ये भरत चतुरंगनी सेना के साथ आ रहे हैं, मन में कोई कुटिलता है, लक्ष्मण जी के मन में भी आ गया था, परंतु भरत जी उन लक्ष्मण, आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी, लक्ष्मण बड़भागी हैं जो रघुनाथ जी की चरण सेवा का लाभ ले रहे हैं। हमको तो भगवान की वो सेवा का लाभ नहीं मिला, हमें तो अयोध्या रहना पड़ा। लालन जोग लखन लघुलोने, भई न भाई असही न होने, पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे, केवल परिवार के नहीं, पुरजन प्रिय और संपूर्ण अयोध्या नगरी के ये प्रिय हैं, और माता पिता के तो बहुत दुलारे हैं लक्ष्मण जी। सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे, और श्री सीताराम जी को तो वो प्राण से भी अधिक प्रिय लगते हैं लक्ष्मण जी। ऐसा
भरत जी कह रहे हैं और बताते हैं, मृदु मूरत, उनकी मूरत जो है वो बहुत मृदुल है, बहुत कोमल शरीर वाले हैं, ऊपर सलोने कहा था, अब यहाँ कह रहे हैं मृदु मूरत सुकुमार, सुकोमल शरीर वाले हैं और स्वभाव भी उनका अत्यंत सुकोमल है, स्वभाव भी उनका बहुत सुकोमल है, तात बाऊ तन लागना का, और गर्म हवा कभी उनके शरीर का स्पर्श नहीं किया है, और यहाँ ग्रीष्म काल में इस प्रकार से खुले में गंगा के तट पे बैठ के कष्ट सहन किया है उन्होंने और करते रह रहे हैं। ते बन सहि विपत्ति सब भांति, वो वन में सब प्रकार की विपदाओं को सहन कर रहे हैं। ते बन सहि विपत्ति बहु श्री राम, विपत्ति सब भांति, सब प्रकार की जो विपदाएं हैं उनको वो वन में आके सहन कर रहे हैं। निद्रे कोट कुलिस ही छाती, मेरा छाती जो है वो तो करोड़ों वज्रों को भी निरादर कर दी, इतना कठोर हृदय है, ये सब मैं जान रहा हूँ, फिर भी वो हृदय पिघलता नहीं है, द्रवीभूत नहीं होता हमारा हृदय, ये सब वार्ता हम सब सुनते हैं फिर भी हमारा हृदय नहीं पिघलता है। ते मन सहि विपत्ति सब, जिन्होंने गर्म हवा तात बाऊ तन लाग न काऊ, तात बाऊ मतलब गर्म हवा कभी उनके शरीर का स्पर्श नहीं की थी, जहां निवास करते थे सब वातानुकूल एयर कंडीशन, सब जगह इतनी अच्छी व्यवस्था थी उनकी, और आज उनको वन में सब प्रकार की विपदाएं, समधा काष्ठ लाओ, कंदमूल फल लाओ, स्नान करो, जल भरो, बगीचे में जल सिंचन करो, रात्रि में पहरा दो, सब प्रकार की विपदाएं आई हैं आज तुम। ते बन सहि विपत सब भांति, निद्रे कोट कुलिश यही छाती, ये छाती ने तो करोड़ों वज्रों का निरादर कर दिया है, उनसे भी ज्यादा कठोर हो गई, करोड़ों वज्र से भी ज्यादा कठोर हो गई मेरी छाती तो। अब राम जी के विषय में कहते हैं, राम जननी जग कीन, श्री राम, राम जन्मी जग कीन उजागर, राम जी ने भूमंडल पे प्रकट होकर जन्म लेकर अर्थात भूमंडल पर प्रकट होकर जग कीन उजागर, सारे जगत को प्रकाशित कर दिया, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू, तो जगत को प्रकाशित करने वाले जो परमात्मा श्री राम हैं, भूमंडल पे जन्म लेके संपूर्ण जगत को उजागर किया है उन्होंने, प्रकाशित किया है, आलोकित किया है, रूप सील सुख सब गुण सागर, उनका रूप उनके शालीनता और सुख और सभी जितने भी दिव्य गुण हैं उनमें समुद्रवत हैं, ये नहीं थोड़े थोड़े नहीं है, 1,000-2 लाख लीटर नहीं, समुद्रवत है, रूपशील सुख सद्गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता राम स्वभाव सभी सुखदाता, पुरजन हो मतलब अयोध्या के नगरवासी लोग हों, परिजन हों गुरु वशिष्ठ जी इत्यादि हों, माता पिता हैं, राम स्वभाव सब ही सुखदाता, राम जी का तो स्वभाव ही ऐसा है, वो स्वभाव से ही सबको सुख देने वाले, कोई भी हो चाहे वो अयोध्या के नगर नरनारी हो अथवा अपने परिकर में से हो, परिजन में से हो, पुरजन में से हो, कोई भी हो, गुरु पितामाता और गुरु माता पिता सभी को सुख पहुंचाने वाले, स्वयं कष्ट सहन करके सबको सुख पहुंचाने, ऐसे हैं हमारे बड़े भैया, बेरियु राम बड़ाई करें, और तो क्या शत्रु भी उनकी बड़ाई करते हैं, बाली
समदर्शी रघुनाथ, रघुनाथ जी को कहता है कि समदर्शी है, बड़ाई करता है। धर्म हेत अब तरह गोसाई, वहां भी आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है। ये बेरी था, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, बेरी जास बड़ाई करी। मारीच कहता है कि अरे तुमको ये किसने शिक्षा दी, रावण से कहता है उनसे बैर करना अच्छी बात नहीं, राम जी से बैर करोगे, उनसे बैर करके कहां जाओगे, क्या तुम्हारी दुर्दशा होगी। बेरी जास बड़ाई करें। खरदूषण और शूपनखा, शूपनखा भी कहती है तर्णव रूप संपन्न सुकुमार महाबलो, ये शूपनखा के शब्द हैं जो राम रक्षा में आप लोग बोलते हो ना। राम रक्षा मूल में 15 श्लोक तक बुद्ध कौशिक विरचित है, उसके उपरांत जो श्लोक हैं वो सब संकलित हैं, बाहर से इकट्ठे किए हुए हैं। तो वो जो श्लोक बोला है ना, तरुण रूप संपन्न सुकुमार महाबलो, ये सब शूपनखा ने जाके बताया है रावण को कि वो तरुण है, रूप संपन्न है, बेरी जास बड़ाई करें। शत्रु भी उनकी बड़ाई करते हैं, बेरी जास बड़ाई कर रहे हैं। बोलन मिलन विनय मन हरे, उनका बोलना उनका मिलना इतना नम्रतापूर्ण होता है कि सबके मन को हरण कर देते हैं। मन हरे इतनी उनमें नम्रता है, उतनी उनमें विनय है, उनके बोलने में, उनके व्यवहार में, उनके मिलने जुलने में, चाहे कोई भी हो, शत्रु हो, मित्र हो, उदासीन हो, कोई भी हो, उसका मन हरण कर लेते हैं, मन खींच लेते हैं, फिर उसका मन उसके हाथ में नहीं रहता, ले गए वो तो मन। ऐसे हमारे बड़े भैया रघुनाथ जी हैं। शारद कोट कोट सतशेषा, कर्ण सकई प्रभु गुनगन लेखा। शारद कोटि कोटि करोड़ों शारदाएं, सतशेषा और सो सो शेषनाग, शेषनाग मतलब एक एक शेषनाग के हजारों मुख और हजारों मुख में दो दो जिब्बा। ये तो इंसान को भगवान ने एक जीव दी है ना, परंतु शेषनाग को दो दो जीवें निकालता है ना, यूं यूं कहते हैं। तो सतशेषा, सो सो शेषनाग, शारदा कोटि कोटि शारदा, कर्ण सकई प्रभु गुण गण लेखा, प्रभु के जितने गुण हैं उनका लेखन कार्य नहीं कर सकते हैं, उनकी गिनती नहीं कर सकते हैं ये सब। तो कौन, भरत जी कहते हैं हम क्या कहें उनके विषय में, राम जी के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मनी, मंगल मोद निधान, ते सोबत कुश डास मही, विधि गति अति बलवान। सुख स्वरूप रघुवंश मनी, रघुनाथ जी का स्वरूप जो है वो तो सुखमय है, अथवा सुख जो है वो स्वरूप धारण करके रघुनाथ जी के रूप में प्रकट हो गया है। अगर आपने सुख के विषय में सुना है, बड़ा सुख मिला, आपने सुख को कभी देखा थोड़ी है, अनुभव किया है, परंतु उसका स्वरूप को देखना चाहते हो तो रघुनाथ जी को देख लो। अगर जीवन में आप चाहते हो कि हम सुख को देखें, सुख है क्या, तो सुख स्वरूप रघुवंश मन, रघुनाथ जी जो हैं सुख स्वरूप हैं, साक्षात जीवंत स्वरूप सुख का रघुनाथ जी। मंगल मोद निधान, केवल बाहर से ही स्वरूप ऐसा नहीं है, मंगल मोद निधान, सम्यक प्रकार के कल्याण और मुदिता, हृदय की मुदिता, इसके तो वो निधान है, खजाना है, भरा हुआ है, अटूट भरा हुआ है, खजाना अटूट भरा हुआ है। मंगल मोद निधान, ते सोबत, ऐसे जो रघुनाथ जी हैं, ऊपर जो कुछ शब्दों में उनके विशेषताएं बताई गई, ते सोबत
कुश दास मही विधि गति अति बलवान। कुश की सैया पे, कुश सैया बिछाकर, दासी मतलब बिछाकर, पृथ्वी पर कुश की सैया बिछाकर ते सोवत, वो रघुनाथ जी सोते हैं, विधि गति अति बलवान। ये तो भाई कहते हैं ना कि समय की गति बहुत बलवान होती है, विधाता की गति बहुत बलवान है, विधाता की चाल, गति यानी चाल, विधाता की चाल जो है ना बहुत बलवान है। कुछ समझ में नहीं आता क्या कर दिया विधाता ने, जो सुख स्वरूप रघुवंश मनी है, ते सोवत मही, वो पृथ्वी पे सो रहे हैं, और कुश दास कुश की सैया बिछा के उस पे सो रहे हैं। इंसान अभिमान ना करे, अहंकार ना करे, इतनी उच्च कोटि के महापुरुषों को भी कभी ऐसा समय देखना पड़ सकता है, ऐसा समय देखना, ऐसा समय जीवन में आ जाता है, और एक दो दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए आया। विधि गति अति बलवान, विधाता की गति जो है बहुत बलवान है। अभी भरत जी महाराज कुछ और भगवान श्री राम के विषय में विशेषण कहेंगे, फिर निषाद राज गुह को लगेगा कि भरत जी ज़्यादा भावावेश में ना आ जाएं और कुछ दूसरी समस्या ना पैदा हो जाए, इसलिए फिर निषाद राज अपना प्रभाषण शुरू करेंगे। वो सब समय की मर्यादा के अनुसार होगा। जय श्री राम।